Now from here is to here. तो इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाने वाला हूं पांगरचूला ट्रैक पर, एक बेहद ही खूबसूरत ट्रैक जिसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव करची से। ये गांव जोशीमठ के पास स्थित है, जहां से होकर आप बद्रीनाथ की ओर भी जाते हैं। तो हमारे सफर की शुरुआत हुई ऋषिकेश से, जहां से कैब के थ्रू हमें पहुंचना था करची गांव। तो अभी हम निकल चुके हैं यहां ऋषिकेश से अपने ट्रैक के लिए। अपने ड्राइवर भैया भी हैं। इस सफर के दौरान आप पहुंचते हैं देवप्रयाग, जहां पे आपको अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखने को मिलता है। ये दो नदियां जुड़कर ही गंगा बनती हैं। ऋषिकेश से करची का सफर करीबन 8 से 9 घंटे है बाय रोड। और गाइस, यहाँ ट्रैक पे जाने से पहले फुल नहाना धोना चल रहा है गंगा में। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। जोशीमठ के पहले ही हम यहाँ गंगा में कूद गए हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। हम फाइनली शाम के 6:30 बजे तक करची पहुंच गए थे और आज रात का हमारा यहीं पर ही स्टे था। और यहां हम मिले माइक भाई से, जो कि हमारे ट्रैक लीडर थे। इन्होंने डिनर के बाद हमें पूरे ट्रैक पर ब्रीफ किया और बताया कि हमें ट्रैक पर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज की सुबह हमें खुलारा के लिए निकलना था, जहां से आपको पांगरचूला का सबमिट करना होता है। तो हम सब ने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट किया और रेडी हो गए आज के ट्रैक के लिए। और यहां सारे बंदे अपने निकल चुके हैं ट्रैक पे। यहां से अभी ऊपर जाना है खुलारा की तरफ और वहां से फिर अपना पांगरचूला का जो सबमिट रहता है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो बस अभी चलता है, खुलारा पहुँचते हैं एंड आपको दिखाते हैं ऑन द वे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसा नज़ारा है। तो चलते हैं खुलारा की तरफ। आपको इस ट्रैक से माउंट द्रोणागिरी के कुछ बेहद ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। कहते हैं ये वही पर्वत है जहां से हनुमान जी ने राम जी के लिए संजीवनी बूटी लाकर दी थी। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची से मिले अर्पिता। हमें ट्रैक करते करते 2 से 3 घंटे हो चुके थे और हम पहुंच चुके थे गुलिंग टॉप, जहां पे हमें इंडिया हाइक चेसी कंपनी के टेंट्स भी नजर आ रहे थे। हालांकि हमें खुलारा तक जाना था तो हमने अपना ट्रैक कंटिन्यू किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हायर एलिवेशंस पे हमें स्नो भी काफी दिख रहा था। यहाँ पे लंच हो रही है और काफी ऊपर आ गए हम खुलारा के पास और बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा तेज, एकदम मतलब कानों से बिल्कुल सरसराती हुई जा रही है। तो कुछ और दूर पे ही है हमारा कैंप, बस चढ़ रहे हैं। यहाँ पूरी स्नो ही स्नो है अपने पीछे देख सकते हैं जैसे कि। तो आज थोड़ी सी लंबी चढ़ाई हो गई है, अभी 3:30 बज चुके हैं ऑलरेडी दोपहर के। अब देखते हैं, पांगरचूला भी सामने दिख रहा है अपन को, तो देखते हैं खुलारा पहुँचते हैं फिर आगे का नज़ारा देखते हैं। कुछ दूर और चलने के बाद हम फाइनली खुलारा बेस कैंप पहुंच गए थे और यहाँ पे काफी सारे कंपनीज की टेंट्स भी लगी हुई थी। और अभी हम अपने खुलारा कैंप साइट पहुंच चुके हैं। तो ये है अपना यहाँ पे टेंट पर्वत एक्सप्लोरेशन के सारे, और यहाँ पे पीछे अपना किचन टेंट वगैरह भी यहीं पे लगा हुआ है और 2 टेंट जो हैं हमारे अभी ऊपर लगे हुए हैं ऊपर की साइड पे, और वो रहे टॉयलेट टेंट। और यहाँ पे अपनी गर्मा गर्म मैगी बन चुकी है
सारी टीम अपनी आ चुकी है और अभी मस्त यहाँ पे मैगी और चाय लेंगे और मज़े करेंगे। तो अभी यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं एंड आज ही रात को 2 बजे पांगर चूल्हा निकलने का प्लान हो रहा है, लेकिन बहुत तेज अभी बादल गरज रहे हैं, देखते हैं मौसम सही रहेगा तो निकलेंगे। अभी सोना पड़ेगा एंड फिर 2 बजे उठना पड़ेगा रात को, लेट्स सी। हमारे ट्रैक लीडर माइक भाई ने कहा कि वेदर कभी भी ख़राब हो सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम आज ही रात को पांगर चूल्हा पीक के लिए निकल जाएं। और अभी यहाँ पे अपने कैंप साइट पे स्नोफॉल हो रही है, मौसम खराब हो चुका है, स्नोफॉल हो रही है इधर अपने कैंप साइट पे। तो अभी अपना पांगर चूल्हा का जो पीक है स्टैंड बाय पे है, कल जाएंगे कि नहीं देखना है। पता चला रात भर टेंट ही झाड़ रहे हैं बैठ के, और यहाँ पे स्लीपिंग बैग ओढ़ ओढ़ के सोया जा रहा है विद माय पार्टनर ब्रिजेश भाई। ठंड हो रही है बाहर, मौसम भी बहुत नॉटी हो रहा है, बादल वादल गरज रहे जोरदार। देखते हैं अभी सोते हैं, रात को 2 बजे उठते हैं, मौसम सही रहेगा तो निकलेंगे पांगर चूल्हा के लिए। रात के 12 बजे के बाद वेदर सही हो गया था और हमने डिसाइड किया कि हम आज ही रात को निकलेंगे पांगर चूल्हा सबमिट के लिए। तो रात के 2 बजे हम निकल चुके थे अपने पांगर चूल्हा के सबमिट डे के लिए। और अभी 4:30 बज रहे हैं, वी आर स्टिल मूविंग जैसे कि देख सकते हैं। तो अभी कदम बढ़ाए जा रहे हैं आगे, बर्फ में चलते जा रहे हैं। और ब्रिजेश कैसा लग रहा है? हालत टाइट है? हालत टाइट होगी क्या? बड़ा अच्छा पुश कर ले रहा है। रात में ट्रैक करने पर आपको आसमान पर मिल्की वेज के बहुत ही शानदार व्यूज नज़र आते हैं एंड मैंने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार भी स्पॉट किया था। फाइनली अब सुबह हो चुकी थी और सुबह का जो नज़ारा था इन पहाड़ों से बेहद ही खूबसूरत था। सुबह का जो सनराइज़ का मोमेंट होता है वो पहाड़ों से बेहद ही खूबसूरत लगता है। और अभी यहाँ ऊपर बैठे हुए हम सारे, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट चल रहा है और यहाँ से शानदार नज़ारा आ रहा है पहाड़ों का, बेहतरीन एकदम। और हमें जाना है उस पीक पर, वो रहा सामने पांगर चूल्हा। खुलारा से हमने काफी एलिवेशन गेन कर लिया था और अब हमारे चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ऊपर बहुत ही ज्यादा ठंड थी जिससे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और हमारे हाथ और पैर ऐसे लग रहे थे जैसे मानो बिल्कुल जम गए हों। एंड फाइनली धूप आ चुकी है, सुबह के 6 बज चुके हैं, काफ़ी थकावट भी है हमें, काफ़ी सारे मेंबर्स पीछे भी हैं अपने। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, नेवर अंडर एस्टिमेट द वेदर। वैसे अब आगे आने वाले नज़ारे बेहद ही खूबसूरत होने वाले थे। यहाँ पर आपको चारों ही तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी और यहाँ से आपको माउंटेन रेंजेस का एक बहुत ही क्लियर व्यू आता है। यहाँ से आपको नीलकंठ पर्वत, चौखंबा पीक, हाथी पर्वत, माउंट द्रोणागिरी जैसे कई पर्वत देखने को मिलते हैं। बहुत ऊपर जाना है, हालत ख़राब है, रात भर से बस चल रहे हैं, काफ़ी ऊपर जाना है। इस ट्रैक पर बाकी ट्रैक्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्टीप क्लाइम्स हैं एंड जैसे ही आप एक पीक पर चढ़ते हैं आपके सामने फिर से एक पीक आ जाता है एंड ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल एंडलेस है। आ जाओ आराम से आना, स्लिप मत होना। हमारे ट्रैक लीडर माइक भाई तो आगे आगे जाए जा रहे हैं, देखते हैं उन्हें फॉलो करना बड़ी टेढ़ी चीज़ है। चलते हैं, बस पांगर चूल्हा इंतज़ार कर रहा है, हंस रहा है हम पे। अब ये पूरा ऊपर जाना है पीक पे, हम थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहे हैं बट ये बहुत डिफ़िकल्ट शॉर्टकट लग रहा है मुझे तो, यहाँ से चढ़ना मुश्किल है। देखते हैं आप क्या सीन है आगे, कैसे चढ़ेंगे।
हम अब काफी ऊपर आ चुके थे एंड एल्टीट्यूड गेन एंड लो ऑक्सीजन के कारण सर में भी काफी दर्द हो रहा था। हम टोटल 7 लोग थे बट इतनी ऊपर सिर्फ 2 लोग ही पहुंच पाए थे। और ब्रो कैसा लग रहा है अपना एक्सपीरियंस जरा बताइए व्लॉग पे। पता ना भाई, कोई मतलब नहीं। भाई तो बोल रहा मत आना, बहुत मुश्किल है यार, सच में बहुत ऊपर जाना है। मैं उस घर में रहते खाते पीते सोते, साला पैसे देकर आए हैं, मजबूरी भी नहीं है। भाई तो यहीं सो गए और आगे बहुत लंबा पुश है, बहुत ज़्यादा स्टीप है, एकदम वर्टिकल, मतलब बहुत थकान हो रही है। पांगड़चूला ट्रैक इज नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स जो कि मैंने किया है, क्योंकि इस दिन हमें 25 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ा था। जिस दिन हमने खुलारा पुश किया था उसी दिन रात को हम पांगड़चूला सबमिट के लिए निकल गए थे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो गया था। मन कर रहा बस अभी यहीं पे ही मतलब लेट जाऊं और वापस ही ना जाऊं। हालत बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल है ट्रैक, नॉट एट ऑल ईजी। फाइनली बहुत पुश करने के बाद मैं सबमिट तक पहुंच गया था, और यहां पहुंचने की जो फीलिंग थी उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। दोस्तों अभी हमें पांगड़चूला के सबमिट पर, और आप देख सकते हैं हमारे साथ भाई पूरी टीम में बस एक ही मेंबर है, और ये पर्वत एक्सप्लोरेशन का पांगड़चूला पीक समिट, और पीछे देख सकते हैं आप त्रिशूल पर्वत, नंदा घुंघटी, रोंटी, बिथारतोली, नंदा देवी, ऋषिकोट, देवरमला, चांगवांग, कलंका, द्रोणागिरी, गरुड़, लंपाक, वेंटू, बर्मल, हाथी घोड़ी, कामेट ग्रुप, सरस्वती ग्रुप, नीलकंठ, चौखंबा, केदारनाथ एंड गंगोत्री ग्रुप। चल रहा स्लिप होते हुए जा रहे, ब्रेक लगाओ, चलो आगे स्लिप होते होते, अबे ब्रेक लगा। हम शाम के 3 बजे तक वापस बेस कैंप पहुंच गए थे, और हमारा स्वागत किया नेचर ने एक बहुत ही सुंदर स्नोफॉल के दृश्य से। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पांगड़चूला के बारे में आपको सारी जानकारी इसमें मिल गई होगी। इस ट्रैक का टोटल खर्चा मुझे ऋषिकेश टू ऋषिकेश करीबन 9,800 रुपए का आया था। ऑल्सो अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू द होल पर्वत एक्सप्लोरेशन टीम फॉर मेकिंग दिस ट्रैक पॉसिबल। ऐसे ही कंटेंट आगे देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।